गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में आज हम बात करेंगे चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। अब देखिए, कोई चतुष्फलक कब बनता है? जब एक घन के एक फलक के दो विकर्णी कोने और उसके ठीक विपरीत स्थित फलक के अन्य दो विकर्णी कोनों को मिलाएं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? चतुष्फलक। देखिए, मैं बनाती हूँ अभी आप लोगों के सामने। एक घन बना लेते हैं पहले अपन। ये देखिए, एक घन और इसके विकिरणी कोने समझ गए होंगे आप। जैसे मैं ये वाला कोना मिला दिया, विकिरण वाला कोना जो विकिरण बना रहा है, ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर देती हूँ बी और ये हो गया सी। ये फलक लिया है मैंने जी एंड ई, ये फलक लिया है मैंने ऊपर वाला, इसके विकिरणी कोनों को मिला दिया और ठीक इसके विपरीत फलक, तो ये ऊपर वाला है तो कौन सा वाला फलक होगा? ये फलक। इसके विकिरणी कोने भी मिला देती हूं मैं, ये लीजिए, और अब ये हो गया मेरा ए डी। क्लियर? इनको मिलाने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? चतुष्फलक, और वो अब आपको नजर आ जाएगा। देखिए, मैं मिला देती हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये अपना एक चतुष्फलक है। इसके विकिरणी कोने जैसे ही अपन मिलाते हैं, अपने को क्या प्राप्त हो जाता है बोलो? एक घन। क्लियर? सॉरी, एक चतुष्फलक प्राप्त हो जाता है, नॉट घन। देखिए, देखिए यहां से मैं दूसरे पेन से डिनोट कर देती हूँ। इस चतुष्फलक के केंद्र ओ पर सभी ऋणायनों को स्पर्श करता हुआ एक धनायन स्थित होता है। देखिए, यहाँ पे एक धनायन स्थित है जो सभी ऋणायनों को स्पर्श करता है। देखिए, एक ऋणायन ये हो गया, एक ऋणायन ये हो गया। क्लियर? देखिए, और ये मेरा बोलो कौन है? धनायन ओ। और यहां से मैं एक लंब डाल रही हूं, देखना, इस धनायन के केंद्र बिंदु से एक लंब डाल रही हूं मैं। ये मेरा हो गया ओ, ये मेरा हो गया पी बिंदु पे। क्लियर? और अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बाहर मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कैसे है ये? ये मेरा धनायन, इसका केंद्र बिंदु O, और ये देखिए, और ये यहां से कौन गुजर रहा है? ऋणायन, एक ऋणायन मेरा ये है, और एक ये इसके पास में दूसरा वाला ऋणायन। क्लियर? और ये बिंदु ए है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बिंदु ए, और ये ए, और ये जो डी था मेरा, ये फलक बनाया, ये विकिरण बनाया मैंने ए और डी, ठीक है, और इसके केंद्र धनायन के केंद्र बिंदु से इस फलक पे से मैंने पी बिंदु पी पे एक क्या डाला है बोलो? अपन ने विकिरण डाला है। और अब देखिए, मैं बात करूंगी यहां पे बोलो कौन है? ओ। अब मैं देखिए, यहां पे मैं बात करूंगी बोलो किसकी? समकोण त्रिभुज ओ ए पी की, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने अलग से बनाया है। अब देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूं, जिस त्रिभुज के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूं। तो देखिए, यहां से अब मैं बात करूंगी
समकोण त्रिभुज, ओ समकोण त्रिभुज ओ ए ओ ए पी से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, बताओ क्या होगा। ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। क्लियर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी प्लस पी ओ। क्लियर, आगे देखिए। अब अपन को पता है ये ओ ए है, इसको बताओ मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ। देखिए यहां से ये वाली जो त्रिज्या है ये मेरी ऋणायन की त्रिज्या है। क्लियर यहां तक। और ये देखिए ये धनायन की त्रिज्या है यहां से यहां तक, तो ओ ए को मैं लिख सकती हूँ आर प्लस प्लस आर माइनस। क्लियर, कैसे लिखा समझ में आया। अब देखिए ए पी, ए पी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ए एंड पी, और ये देखिए ए पी, आप मुझे बताओ क्या ये ऋणायन की त्रिज्या हो गई क्या। ये देखिए यहां तक ये एक ऋणायन है और ये दूसरा ऋणायन है, तो ए पी को मैं ऋणायन की त्रिज्या आर माइनस के बराबर लिख सकती हूँ। तो देखिए ए पी बराबर बोलो क्या हो गया, आर माइनस। क्लियर, अब ये समीकरण नंबर वन दे देती हूँ। समीकरण नंबर वन में अपन ओ ए और ए पी का मान रखेंगे। देखिए तो यहां से क्या आएगा, ओ ए का मान रखो आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर बोलो किसके होगा, एपी किसके बराबर है, आर माइनस का स्क्वायर प्लस बोलो क्या हो गया, ओपी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक की बात अपन लोगों को समझ में आई। अब देखिए अपन को ओपी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अपने पास ओपी का कोई मान नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए ओपी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओपी बराबर, अब देखिए ये ओपी का मतलब है कि इस घन के केंद्र बिंदु से पी पर लंब डाला गया है। क्लियर, इसका देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरा बिंदु एफ है। क्लियर, तो मैं लिख सकती हूँ ओपी बराबर ए एफ बटे टू। क्लियर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बोलो क्या होती हैं, बराबर, और बराबर होने की वजह से मैं क्या लिख सकती हूँ इस ओपी को, ये सारी जितनी भी भुजाएं हैं वो बराबर हैं घन की, ए एफ है, एफ डी है, डी ई है, बी ई है, जो भी भुजाएं हैं वो सारी। तो मतलब ये हो गया केंद्र बिंदु से अगर आप इसके इस पे विकिरण डाल रहे हैं तो ये घन की किसी भी भुजा का आधा हो गया, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया ए एफ का आधा डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब देखो अब मैं एक और त्रिभुज ले रही हूं और वो मैं ले रही हूं त्रिभुज ए डी एफ। देखिए अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रही हूं, क्लियर ये वाला, अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रही हूं ए डी एफ। अब ए डी एफ से देखो क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। क्लियर, ए एफ डी एफ, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ ए डी का स्क्वायर। देखिए अब अपन को पता है यहाँ पे ये ए एफ और डी एफ दोनों घन की भुजा है, बराबर कर दू इनको, ए एफ बराबर बोलो किसके होगा, डी एफ के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ए डी का स्क्वायर बराबर बोलो क्या लिख सकती हूँ, डी एफ की जगह भी मैं ए एफ लिखूंगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं टू ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक के बाद देखिए यहां से अपन ने लिखा ला, तो अब मैं लिख सकती हूँ ए डी बराबर बोलो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू ए एफ। क्लियर, अब देखिए यहां से ए डी देखिए आप लोग, ये देखिए ए डी, ए डी बराबर, अब देखिए ये ए डी में एक ऋणायन ये रहा, दूसरा ऋणायन ये रहा, इसका मतलब ए डी को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, टू आर माइनस लिख सकती हूँ ना, तो टू आर माइनस बराबर बोलो क्या लिख सकती हूँ, रूट टू ए एफ। और यहां से अगर मैं ए एफ का मान निकालू तो देखो इसको क्या लिखोगे, ए एफ बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आर माइनस, इसको इधर भेज देते हैं अंडर रूट टू, और या फिर मैं लिखू ए एफ को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट टू गुना रूट टू आर माइनस अपॉन रूट टू, तो एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा और ए एफ का मान आ जाएगा रूट टू आर माइनस। क्लियर, अब देखिए अपन ने कहा था, देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो ये ओपी है ये किसके बराबर होता है, ए एफ बटे टू, तो यहां से ओपी का मान निकाल लें, ओपी बराबर ए एफ बटे टू, और ए एफ का मान बताओ क्या है,
रूट टू आर माइनस अपॉन बोलो क्या करेंगे टू, और इस टू को देखना मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट टू गुणा रूट टू और एक से एक कैंसिल, तो ओपी बराबर बोलो किसके बराबर आ जाएगा, आर माइनस अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, अब ओपी का ये मान अपन समीकरण नंबर किसमें रख देंगे, दो में। देखिए समीकरण नंबर दो ये रही मेरे पास में, r प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अपन के पास ओपी का मान नहीं था वो अपन ने निकाल लिया, इस समीकरण में मैं ओपी का मान रखूंगी। तो देखिए r प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर r माइनस का स्क्वायर प्लस, और अब ओपी का मान रखना है, वो बोलो कितना है, r माइनस अपॉन रूट टू। क्लियर, और इसका स्क्वायर करना है मुझे, ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया r प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर, ये हो गया r माइनस का स्क्वायर प्लस r माइनस का स्क्वायर अपॉन, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, r माइनस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए r प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर अपॉन टू, या आर प्लस प्लस आर माइनस बराबर बोलो क्या हो जाएगा, का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, टू आर और आर, ये हो गया थ्री आर माइनस का स्क्वायर बटे दो। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन क्या ले लेते हैं, वर्ग मूल, या फिर मैं ऐसे करूं ये इधर से हटेगा, या मैं लिख सकती हूं आर प्लस प्लस आर माइनस बराबर 3r माइनस का स्क्वायर बटे 2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, और जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो r प्लस प्लस आर माइनस बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2, ये तो आ जाएंगे अंडर रूट में और r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, r माइनस। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर है जब अंडर रूट करोगे तो ये, और अब इधर r माइनस को भेज देती हूं तो ये r प्लस बराबर बोलो क्या लिखेंगे अब इसको, माइनस r माइनस। क्लियर, ये है माइनस r माइनस, और इसमें से आप r माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.225। तो ये अपन ने किसके लिए कैलकुलेट किया है, चतुष्फल की आकृति के लिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, चतुष्फलक मैंने बनाया है और वो अपन ने कहा कि किसी भी फलक के जो विकिरण होते हैं और उससे जस्ट अपोजिट फलक के विकिरण को यदि आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, चतुष्फलक। और यहाँ पे सेंटर में कौन बैठ, ये ऋणायन है, सेंटर में धनायन बैठा हुआ है, इससे इस विकिरण एडी पे अपन ने एक लंब डाला है, इसको मैंने पी, यहाँ ओ। क्लियर, तो पहले अपन ने बात की है त्रिभुज ओ ए पी की, और ओ ए पी में चूंकि अपने को ओपी का मान नहीं पता इसलिए फिर अपन ने दूसरे त्रिभुज की बात की ए डी एफ, और ए डी एफ से बात करके अपन किसका मान निकाल के लेके, ओपी का, और ओपी का वो मान जब इस समीकरण में रख दिया तो अपने पास में किसके लिए त्रिज्या अनुपात आ गया, बोलो चतुष्फलकीय संरचना के लिए। थैंक यू।